अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लो रूही, रूही तुम खाटू जी की इतनी बड़ी भक्त हो, तुम्हें तो पूरा खत्म करना होगा। रूही तुम भी खा लो। दोबारा गुस्सा क्यों आ रहा है? रूही एक बार सरप्राइज तो खोल के देख और बताओ कैसा लगा तुम। बाद में देख लूंगी, इतनी क्या जल्दी है। मुझे काम है, बाद में आराम से देख लूंगी। क्या आपने मेरा वेग मेरे घर पे भेज दिया? वो आपको जल्दी चाहिए था इसलिए हमने सीधा आपके घर भेज दिया। अरे लेकिन आपको बोला किसने करने के लिए? सॉरी मैडम, लेकिन अब तो डिलीवरी बॉय भी आता होगा। अरे वन पार्सल। पार्सल किसका है? ये मेरा पार्सल है। थैंक। ये तो विग है। मुझे किस बात से इतना गुस्सा आ रहा है? अपना दिमाग भटकाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? चैनल तो वो केक नहीं भिजवाया था, फिर वो केक किसने भिजवाया था? यम्मी बाइट्स। हेलो, आप यम्मी बाइट्स केक शॉप से बोल रहे हैं? जी। आपकी शॉप से गोयनका हाउस में एक केक डिलीवर हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि उस केक का ऑर्डर किसने दिया था? देखिए हमें नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने खुद आकर डिलीवरी ली थी। आप उस इंसान को पहचान सकते हैं जिन्होंने आपको केक का ऑर्डर दिया था? जी शायद। ठीक है, मैं अभी आपकी केक की शॉप आ रही हूँ। ये क्या है मलिष्का जी, बालों की विग? ये विग एक्चुअली। अरे वाह विग, मलिष्का जी आपने अपने लिए विग मंगवाई है? ये तो बहुत ही अच्छा किया। थैंक गॉड, अब दादी आपको वो गंदा बदबूदार तेल तो नहीं लगाएंगी और हमें भी उसकी बदबू से थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये वो एक्चुअली ये बदबूदार तेल से बचने के लिए ही मैंने ये विग बनवाया है। हाँ। वैसे मलिष्का जी देखिए ना, इस विग के बालों का रंग बिल्कुल आपके बालों के जैसा है। हाँ आंटी, वो ऑर्डर करके बनवाया है ना, इसीलिए। अच्छा है ना? अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। टकली घूमने से तो अच्छा है ये विग ही लगा ले। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मलिष्का जी एक काम कीजिए, इसे जरा अपने सर पर लगाकर दिखाई। बल्कि मैं तो कहती हूँ यही यही हम सब के सामने खड़े होकर आप इस विग को पहनिए, हम भी तो देखें आखिर ये विग लगाया कैसे जाता है ना। Like,
अगर दादी जी ने सर से टॉवल हटाया तो मेरे बाल दिख जाएंगे। वो मैं इसको मिरर के सामने ही लगाऊंगी, खड़े होकर मिरर के सामने से। हम कैसे देखेंगे अगर आप अपने कमरे में जाके लगाएंगे तो? अरे हम भी नहीं 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 क्या आज दिन में कोई आपके शॉप पर ये केक का ऑर्डर देने के लिए आया था क्या? मुझे इतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन शायद मैं लंच के लिए घर पे गया हुआ था, मेरे आदमी ने दिया होगा, पर वो तो चला गया। अरे कैसी शॉप है आपकी? ऑर्डर लेते वक्त कोई नाम, कोई एड्रेस, कोई पता, कोई फोन नंबर कुछ तो लिखा होगा ना? ये सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है? काम करता है। क्या आप मुझे इसकी आज की फुटेज दिखा सकते हैं? ठीक है, देख लीजिए। जी आप प्लीज प्ले कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक का ऑर्डर देना था, एटलीस्ट 2 किलो का हो, 2-3 किलो का। केक का ऑर्डर अग्नि ने दिया था, पर क्यों? मुझे अभी अपने काम को अंजाम देना होगा, यही सही वक्त है। बिल्कुल सही टाइम पर फोन किया है तुमने मुझे अग्नि, मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। जानती हूँ, इसीलिए कॉल किया है। आज हम अपने बीच की सारी बातें साफ कर लेते हैं। विजय चौक के पास वाले गोडाउन में मिलो मुझसे। मैं अभी आती हूँ। तुम यहाँ हमारे घर में? ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। समर से बात हुई, कैसा है वो? मुझे क्या पता, ठीक ही होगा। ठीक ही होगा मतलब? दोस्त है वो तेरा, उसके खोज खबर ले लिया कर। मैं तो कहती हूँ एक फोन कर लिया कर है दोस्त। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों को ना साथ में एक फिल्म देखने जाना चाहिए। फिर हाँ मूवी। दादी कि तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मुझे सामने से भेज रही मूवी देखने के लिए? और दादू को क्या कहूंगी वो भी आप बता दो। कह तो तू ऐसे रही है जैसे कि हर चीज अपने दादू से पूछ कर करती है तू। जब रात को पार्टी जाना होता है, कहीं बाहर खाना खाने जाना होता है, तो क्या मुझसे पूछती हो क्या बहाना करूं? अच्छा ठीक है दादी, अगर मुझे जाना ही है मूवी देखने तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी। उसके साथ क्यों? वो इसलिए क्योंकि समर अच्छा लड़का है और मुझे उस पर भरोसा है। दादी अगर इतना ही अच्छा लड़का है ना तो आप चले जाओ उसके साथ पिक्चर देखते। कहाँ इसे समर के साथ डांस करना चाहिए और ये है कि मुझे पकड़ कर बैठी हुई है। मुझे जूही और समर को मिलवाते रहना होगा जिससे दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। अग्नि, अग्नि, अग्नि।
बोलो रूही, कैसा लगा तुम्हें मेरा निशाना? ये सब क्या है अग्नि, क्या मतलब है इसका? अरे रूही, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पास मत करो अग्नि, वो केक तुमने ही भेजा था, और अगर केक आया तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? रूही, वो केक तो मैंने ऐसे ही भेजा था तुम्हारे सुपर वुमन बनने की खुशी में। अग्नि, बिना वजह के तुम सांस भी ना लो तो केक भेजना तो बहुत दूर की बात है। सच सच बताओ कि उस केक भेजने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? रूही, रूही, इस सवाल को तो तुम शांति से भी तो पूछ सकती हो ना, फिर इतना गुस्सा क्यों? बकवास मत करोगी, चुपचाप बता दो कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें नाहर की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हूँ। क्या हुआ, सच सुन के खून खोल रहा है तुम्हारा? क्या हो रहा है मुझे, मैं इतना बेकाबू क्यों हो रही हूँ? रूही, रूही, काबू रख खुद पर। ये लो मुझे मार दो, लेकिन मैं अपने मकसद से नहीं हटूंगी। हाँ रूही, मार दो मुझे और हमेशा हमेशा के लिए नाहर की जिंदगी से बाहर कर दो। रही हो, हिम्मत है तो मार दो मुझे और निकाल दो नाहर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अग्नि, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कर लोगी तो? कुछ नहीं कर पाओगी तुम रूही, कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारे आंखों के सामने से नाहर को लेके चली जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी मेरा। एकदम ऐसे ही चिल्लाओगी तुम और नाहर मेरा हो जाएगा। मैं उसको लेके हमेशा के लिए अपने साथ चली जाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सजी तुम। अच्छा, कैसे रोकोगे तुम मुझे? अब एक काम करो तुम, ये लो मुझे रॉड से मारो। लो मारो मुझे रूही, मारो हो जाए कि नाहर की जिंदगी में तुम रहोगी या मैं रहूंगी। मैं मार दूंगी अग्नि को, नहीं छोड़ूंगी उसे। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती। गुस्से पर काबू रख रूही। अभी सब सो रहे होंगे, यही सही मौका है पिंकू जी से बात करने का और उनके दिल की बात को जानने का।
पिंकू जी, पिंकू जी, पिंकू जी। पलक, तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई, मुझसे मिलने भी नहीं आई। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में पलक? तुमने मुझे छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं। क्यों पलक, क्यों क्यों? पिंकू की आवाज, नहीं रात को पिंकू किससे बातें कर रहा है? कहीं पलक का फोन तो नहीं आया? छोड़ो, छोड़ो इसे, अभी छोड़ो इसे। ये क्या कर रहे हो? रोहित, क्या कर रहे हो? रोहित, अमित, अमित, छोड़ो, छोड़ो अमित, अमित। अग्नि छोड़ो इसे, छोड़ो अग्नि, अग्नि छोड़ो। ये कैसे हो गया? मैंने ये कैसे कर दिया? लेकिन मैं तो इसे रोक रही थी ना, तेरे से लग कैसे गई? अग्नि, अग्नि उठो, उठो आगे, अग्नि उठो, अग्नि। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुमने इसे इतना मारा है, इसे देखकर लगता है कि उसका उठना नामुमकिन है। पहचाना? ये लड़की, ये क्या कर रही है? बता दे रिकॉर्डिंग। इंस्पेक्टर, आप? हाँ मैं। तुम हमें हमारे धर्म का तो बहुत याद दिला रही थी, अब क्या हुआ तुम्हारे इंसानियत के धर्म का? हाँ, मौका मिलते ही खून कर दिया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं 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 पिंकू, तो तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो ना, खुश हो ना अपनी जिंदगी में, तो जाओ खुश रहो। नहीं पिंकू जी, मुझे मेरे हल पे छोड़ दो पलक। नहीं पिंकू जी, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपके बिना कैसे खुश रह सकती? जाओ पिंकू जी। आई हेट यू पलक, क्यों मुझे छोड़ दिया तुमने पलक? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? पलक, क्यों किया था? सुनो पलक, क्यों? कौन सा जादू ढूंढना कर दिया उस लड़के ने? पलक, हाँ क्यों? पलक, मैं इस पलक को भूल ही नहीं पा रहा। पलक, जी को रात में भी चैन नहीं है, इतना अच्छा मौका मिला था पिंकू जी से बात करने का, वो भी हाथ से चला गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अग्नि, उठो अग्नि, इनको बताओ कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। अग्नि उठो ना, अग्नि उठो ना, इनको बताओ ना, इनको बताओ मैंने तुम्हें नहीं मारा। अग्नि, मैं जानता हूँ तुम जैसों को,
तुम्हें महान बनने का बड़ा ही शौक है। दूसरों को तो कानून सिखाते हैं और खुद अपराधी और खूनी होते हैं। मैं कोई अपराधी नहीं हूं, और अपराधी अपराध करने वाले को कहा जाता है, बचाने वाले को नहीं। मैंने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे बचा रही थी। मैंने कोई अपराध नहीं किया। अग्नि, अग्नि प्लीज होश में आओ ना, होश में आओ ना। इंस्पेक्टर को बताओ ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं मारा। अग्नि, अग्नि। ये बोलेगी तब जब ये बोलने की हालत में होगी, और अभी आपके डर से ये बोल भी दे तो वो माना नहीं जाएगा। हाँ रुकिए, मैं अभी अपने घर वालों को फोन करके बताती हूँ, वो आपको बताएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप हमारे साथ चलिए, आपके घर वालों को आपकी करतूत के बारे में पता चल ही जाएगा। चलिए, कहाँ चलिए? थाने जाना है। थाने? जी हाँ, चलिए। इन मैडम को हॉस्पिटल लेके जाओ और पट्टी वगैरह कराओ और इसे गिरफ्तार करो जल्दी। अग्नि, अग्नि उठो ना। नहीं, चलो। अग्नि, अग्नि बताओ। रुक रुक, नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अग्नि, अग्नि प्लीज इनको बताओ ना कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। अग्नि, अग्नि बोलो ना कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़िए। अग्नि बोलो ना, अग्नि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रोहित, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना याद है कि तुम बहुत गुस्से में थी और मेरी तरफ देख रही थी। देखा रही तुमने गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया। इंस्पेक्टर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसे नहीं मारा। इंस्पेक्टर, लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ उसको। नहीं, मुझे